गैस, अगर आप लोगों ने भी सी एस एस ग्रिड के बारे में सुना है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, क्योंकि सी एस एस ग्रिड एक कमाल का टूल है जिसको मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जल्दी से कवर करके दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। और इस वीडियो को देखने के बाद सी एस एस ग्रिड से रिलेटेड तो डाउट आपकी ज़िंदगी में रह ही नहीं जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी सी एस एस ग्रिड आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग सी एस एस ग्रिड को अपने किस यूज़ केस में इस्तेमाल आपको करना है, किस में नहीं करना है, ये आप लोग पता लगा पाएंगे इस वीडियो के बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और हम लोग यहाँ पर ग्रिड को देखेंगे, सी एस एस ग्रिड को। इतना सिखा दूंगा आप लोगों को कि यार कभी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। जल्दी से ग्रिड के बारे में सबसे पहले क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता दूँ, क्यों आप इस्तेमाल करते हो। आप अपनी पूरी पूरी वेबसाइट का लेआउट भी ग्रिड से बना सकते हो और कभी कभी तो ये इतना आइडियल होता है आप चाहोगे कि आप ग्रिड से अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाओ। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो आपके पास कुछ एक्सेल टाइप का आपको कुछ बनाना पड़ गया, मान लो आपको बहुत सारे सेल्स दिखाने हैं अपनी वेबसाइट पर, उस केस में आप लोग ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएंगी, आइडिया लगेगा अच्छा। ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम विद रोज एंड कॉलम्स, बेसिकली ग्रिड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अगर अंग्रेजी वाली ग्रिड आपको बताए क्या होती है, अगर आपने एक्सेल यूज़ किया है उसकी तरह एक लेआउट होता है, जैसे कि रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं हमारे पास, उसी के साथ साथ हमारे पास सेल्स होते हैं। रोज और कॉलम्स होने के बाद हमारे पास सेल्स बन जाते हैं बहुत सारे और उन खानों के अंदर हम लोग जो है अपने कंटेंट को डाल सकते हैं ग्रिड कंटेनर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके और ग्रिड आइटम्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। क्या होते हैं ग्रिड कंटेनर्स और क्या होते हैं ग्रिड आइटम्स? इनफैक्ट कंटेनर एक ही होता है ग्रिड का जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं। देखते हैं क्या ये चीज़ ईजी और कन्वीनियंट लेआउट बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग और विजुअलाइज करेंगे इस चीज़ को और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हमने समझ ली चीज़ें तो कोडिंग करते में बिल्कुल भी दिक्कत हमको नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप लोग ये समझो कि ग्रिड बनता है रोज और कॉलम्स की सहायता से। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं, यहाँ पर देखो लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, लाइन फोर, चार लाइंस हैं वर्टिकली और चार लाइंस हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टली। तो चार वर्टिकल चार हॉरिजॉन्टल लाइंस ने बनाए हमारे पास कुल मिलाकर 9 सेल्स और 3 रोज, यहाँ पर मैं कहूँगा 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये मेरा रो वन कॉलम वन है, ये मेरा रो वन कॉलम टू है एंड सो ऑन। आप सारे के सारे यहाँ पर सेल्स को रेफरेंस कर सकते हो कुछ इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है ग्रिड कंटेनर इज़ द एंटायर ग्रिड कंटेनर। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर मैं बात करूँ ग्रिड कंटेनर कौन सा वाला है, तो ये पूरा जो बड़ा वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा मेरा ग्रिड कंटेनर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रिड कंटेनर है मेरा। और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रिड लाइन्स की, तो ग्रिड लाइन्स ये ब्लू वाली जो लाइन्स हैं ग्रिड लाइन्स हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, 4 वर्टिकल लाइन्स हैं जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीन पर। अब ग्रिड सेल कौन सा है, ये एक सेल है, ये छोटा वाला स्क्वायर एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ आपको भी यहाँ पर। ठीक है, ग्रिड ट्रैक क्या है, मान लो मैंने कोई भी दो लाइन्स पकड़ी, दो एडजेसेंट लाइन्स पकड़ी, जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल में अगर पकड़ूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि लाइन टू और लाइन थ्री, तब आप लोग देखो यहाँ पर ये एक ग्रिड ट्रैक बन जाएगा मेरा, ये तीन सेल्स को कंप्राइज करता हुआ ग्रिड ट्रैक बन जाएगा। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी है जो कि रटनी नहीं है, ठीक है, बट हाँ एक आइडिया होना चाहिए हमें सेल क्या होता है, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं इसका, कि आगे मैं रेफरेंस करूँ या कोई भी दूसरा डेवलपर आपको रेफरेंस करे कि दूसरी ग्रिड लाइन इस तरह से बात करे आपसे, तो आप समझ जाओगे हाँ वो किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ग्रिड आइटम की बात करते हैं। ग्रिड आइटम होता है डायरेक्ट डिसेंडेंट या फिर डायरेक्ट चिल्ड्रन जो है हमारा ग्रिड कंटेनर का। मैं क्या करूँगा, एक ग्रिड बनाने के लिए एक किसी भी डिव को या किसी भी एक HTML एलिमेंट को डिस्प्ले ग्रिड दे दूंगा, ठीक है, और वो एक ग्रिड कंटेनर बन जाएगा। उसके जो डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे, यानी कि उसके अंदर जो चिल्ड्रन होंगे, अंदर के अंदर के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं हम, अंदर के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं डायरेक्टली जो इस ग्रिड कंटेनर के अंदर आइटम्स होंगे उनको हम कहेंगे ग्रिड आइटम। ठीक है, आइटम्स ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, हम देखेंगे कैसे। बेसिकली मैं कुल मिलाकर आपको बताता हूँ ग्रिड का आइडिया क्या है। हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रिड यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है, हम यहाँ पर करेंगे क्या कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे ग्रिड कंटेनर और ग्रिड आइटम्स की, कि हम सी एस एस को ये बता सकें कि हमारा जो एक आइटम है, फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है, वो इन दो सेल्स में आ जाए और कोई और चीज़ हमारी इन दो सेल्स में आ जाए, ठीक है, और कोई और चीज़ इस वाले सेल में आ जाए, कोई और चीज़ इस वाले सेल में आ जाए। हम इन इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, ये जो लाइन वन और लाइन टू का गैप है इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अगर एक हेडर बनाना चाहता हूँ ऊपर, तो मैं एक पतला सा हेडर बनाना चाहूँगा ऊपर और नीचे मैं बनाना चाहूँगा पूरा अपना मेन लेआउट वेबसाइट का, तो वो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। कैसे, ये अब मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो दैट्स इनफ थियरी, अब हम लोग कोड लिखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को कोडिंग में किया जाता है।
सो गाइस एक ब्रांड न्यू फोल्डर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है CSS ग्रिड को समझाने के लिए, और राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करूंगा। और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड ऑप्शन ये मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर में VS कोड, और VS कोड आप लोग भी code.visualstudio.com से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। और इसको एक गेम की तरह या कोई भी प्रोग्राम की तरह, जैसे कि आप नॉर्मल प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये सब करके नहीं बताऊंगा, आप लोग फिर उसके बाद इसको खोल कर ये वाला फोल्डर अपने VS कोड में खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ फाइल ओपन फोल्डर से भी आप फोल्डर खोल सकते हैं, और राइट क्लिक करके आप ओपन विद कोड से भी खोल सकते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके पास। मैं यहां पर जल्दी से index.html नाम की एक फाइल बनाऊंगा और उसी के साथ साथ यहां पर एक्सक्लेमेशन लगाकर एंटर मारूंगा ताकि मुझे बॉयलर प्लेट यहां पर मिल जाए, और उसके बाद मैं यहां पर CSS ग्रिड क्रैश कोर्स लिख दूंगा बहुत ही जल्दी, ठीक है, क्योंकि यार ज़रा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी styles.css बनाने के बाद उसके अंदर अपने styles डालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक div.container करके एक div बनाऊँगा जिसकी क्लास कंटेनर होगी, और मैं div.item लिखकर एक और div बनाऊँगा जिसकी क्लास आइटम होगी। इन दोनों क्लासेस को मैं CSS से टारगेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉट कंटेनर और इसके अंदर की मैं CSS डाल सकता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डॉट आइटम और इसके अंदर मैं CSS डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जब भी आइटम के अंदर CSS डालनी है मैं यहाँ से डालूंगा, कंटेनर के अंदर डालनी है तो मैं यहाँ से डालूंगा, ठीक है। तो कंटेनर को हमें बनाना है ग्रिड, बट कंटेनर की हाइट और विड्थ सेट कर दें। उससे भी पहले बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा सेट करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है ना बैकग्राउंड डाल लिया करो, और बैकग्राउंड डाल के टेम्परेरीली डाल लिया करो बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है। परमानेंट तो क्यों डालेंगे यार, हम रेड कलर का और एक्वा का बैकग्राउंड नहीं डालना चाहते। हम जस्ट चीज़ों को चेक करने के लिए क्या चीज़ कहाँ पर आ रही है, एक बैकग्राउंड डाल लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा एक एक्सटेंशन की। विजुअल स्टूडियो कोड को आप लोग एक्सटेंशन की सहायता से यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं जब index.html में हूँ राइट क्लिक करूँ तो ओपन विद लाइव सर्वर आ रहा है। एक लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन होती है जो कि आप लोगों को लाइव रिलोडिंग दिखाती है। जैसे जैसे आप ये कंटेंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको जो कंटेंट है आपका वो लाइव रिलोड होता हुआ दिखेगा, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर एक चेंज किया तो वो मेरी यहाँ पर मुझे रिलोड करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इसको इनेबल कर लेना। शायद आपको एक बार रीस्टार्ट भी करना पड़ता है एक बार इनेबल करने के बाद अपने VS कोड को। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी ये खुल जाएगी, और ना ही तो मुझे एक रेड बैकग्राउंड मिला ना ही एक्वा मिला क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ सेट ही नहीं है। तो इसकी हाइट मैं यहाँ पर सेट करूँगा, और हाइट इसकी मैं सेट कर देता हूँ लेट अस से 700 pixels, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं इसकी विड्थ भी दे देता हूँ, और विड्थ मैं कितनी दूँ 700 ही दे देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देता हूँ विड्थ 900 pixels दे देता हूँ। और अभी मैं इसको यहाँ पर सेव करूँगा, तो आप लोग देखना कि मुझे कुछ ना कुछ देखने को मिलना चाहिए था। डॉट कंटेनर की मैंने हाइट और विड्थ दी है। सो यार मैं अभी इस चीज़ को डीबग कर रहा था कि यार ये क्यों नहीं यहाँ पर कलर आया, और उसका रीज़न ये था कि मैंने स्टाइल शीट को लिंक नहीं करा था, और स्टाइल शीट को मैंने लिंक कर दिया है। तो कभी कभी इस तरह के सिली एरर्स यार काफ़ी टाइम खा जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ जल्दी से। मैंने hrf=style.css कर दिया है, और अभी देखो यहाँ पर रेड कलर का हमारे पास बैकग्राउंड रेड आ गया है कंटेनर का। और आइटम की हाइट विड्थ मैंने सेट नहीं करी है इसलिए यहाँ पर एक्वा मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ हटा दूँ तो ये भी मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं हाइट और विड्थ रखूँगा इसकी, और यहाँ पर इसकी भी हाइट और विड्थ रखूँगा 122 pixels, और विड्थ भी मैं इसकी 122 pixels ही कर देता हूँ, ठीक है। तो 122 pixels 122 pixels, और यहाँ पर देखो एक आइटम यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये पूरी जो मेरी यहाँ पर जो रेड कलर का बॉक्स आपको दिख रहा है इसको मैं बना दूंगा एक ग्रिड, ठीक है। तो मैं इसका जो डिस्प्ले है वो कर दूंगा ग्रिड, और डिस्प्ले ग्रिड करने से मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ CSS से कि CSS भैया इसको बना दो एक ग्रिड, मैं ग्रिड लेआउट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डॉट आइटम है ये मेरा ग्रिड आइटम है। अभी ये एक है, बट मैं एक नहीं, मैं बहुत सारे आइटम्स डालना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 5 आइटम्स डाल दिए हैं ग्रिड के अंदर, और ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड लिखा और यहाँ पर मैंने 5 आइटम्स डाल दिए। अभी मैंने आप पर अपनी CSS को बताया नहीं है कि मैं कितने कॉलम्स और कितने रोज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि यार मैं यहाँ पर CSS ग्रिड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर किसी तरीके से बताना पड़ेगा CSS को कि मैं कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहता हूँ, और ये बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बताने के लिए मुझे सिंपली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है ग्रिड कंटेनर की ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो कंटेनर में मैं डाल दूंगा ग्रिड
टेम्पलेट कॉलम्स, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के अंदर मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि मुझे कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, कॉलम है तो कॉलम, रोज है तो रोज। तो ग्रिड टेम्पलेट रोज होता है और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होता है, और ये दोनों मैं यहाँ पर सेट करूंगा। ग्रिड टेम्पलेट रोज सबसे पहले सेट करूंगा और ग्रिड टेम्पलेट रोज के अंदर मैं डालूंगा कितनी रोज मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मान लो मुझे 13-13 पिक्सल की तीन रोज चाहिए, तो मैं 13 पिक्सल 13 पिक्सल 13 पिक्सल लिख दूंगा, ठीक है। और मान लो मुझे सेम चीज़ 13-13 पिक्सल की तीन यहाँ पर कॉलम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर 13 13 13 लिख दूंगा। और यहाँ पर 13-13-13 की मुझे रोज़ और कॉलम्स मिलेंगी, मुझे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, 122 का तो ये है, तो 133 133 कर देता हूँ मैं, क्योंकि 122 का मेरे पास यहाँ पर ग्रिड आइटम है, तो यहाँ पर ओवरफ्लो ना हो, चीज़ों को सिंपल रखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से मैंने कर दिया 133 133 133 बेसिकली मैंने यहाँ पर बना दिया। तो ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। अब मैं यहाँ पर CSS ग्रिड के अंदर रो गैप और कॉलम गैप को स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रो गैप और मैं लिख दूँ 12 पिक्सल, और मैं यहाँ पर लिखूँ कॉलम गैप, तो मैं सी गैप लिखता हूँ, कॉलम गैप 12 पिक्सल, तो यहाँ पर मैं गैप्स दे सकता हूँ 12 पिक्सल का या जितने भी पिक्सल का मैं चाहता हूँ अपनी ग्रिड के बीच में, और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर आइटम्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आइटम्स को थोड़ा सा बढ़ाने से होगा आप लोग को दिखेगा कि कितनी रोज कितनी कॉलम्स यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3x3 की रो है, तो मैं सिर्फ 9 आइटम्स ही अभी रखूँगा और 2 आइटम्स को मैं मिटा दूंगा। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस तरह से मुझे आइटम्स को, मैं इनफैक्ट एक आइटम कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस तरह से आइटम्स को इस ग्रिड के अंदर फिट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड करके इस डब्बे को ग्रिड बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का इस्तेमाल करके क्या किया, हमने ये बताया कि हम अपनी ग्रिड के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स और कितनी विड्थ के रोज और कितनी विड्थ के कॉलम्स को डालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया आप पिक्सल्स इस्तेमाल कर सकते हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोग रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करो और FR यूनिट का इस्तेमाल करो। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रिपीट और मैं यहाँ पर लिखूँ 3 और मैं यहाँ पर लिखूँ 1 FR, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज के लिए भी कर दूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3 बार रिपीट कर दो, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से 3 मुझे रोज चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए। व्हाट डज इट मीन, मान लो मेरे पास ये पूरी की पूरी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, इतनी सारी स्पेस मेरे पास देखो अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरी स्पेस को यूटिलाइज करते हुए 3x3 की ग्रिड बना दो, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं पिक्सल्स दूंगा तो ग्रिड कंटेनर के अंदर कहीं इतनी सी जगह में ग्रिड रहेगी, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी जो ग्रिड कंटेनर है वो मेरा यूज़ हो पाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा 1 FR 1 FR 1 FR और 1 FR 1 FR 1 FR। तो मैं इसी चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकता था, रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल ना करके भी लिख सकता था, आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि 1 FR 1 FR 1 FR अगर मैं 3 बार लिखता 1 FR 1 FR और 1 FR, ठीक है, तो मैं इस तरह से लिख सकता था और सेम चीज़ मैं नीचे भी लिख सकता था, वो बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो 1 FR 1 FR 1 FR जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि यार देखो ये मेरा पूरा ग्रिड कंटेनर है, इसके अंदर मुझे चाहिए आइटम्स कुछ इस तरह से कि ये जो पूरी विड्थ है इसकी, इसका 1/3 1/3 1/3 तीनों जो मेरे कॉलम्स हैं वो ले लें, ठीक है। 1 FR का मतलब 1 fraction ऑफ द एंटायर विड्थ अवेलेबल, जितनी भी विड्थ उपलब्ध है उसका एक फ्रैक्शन। तो ये मैंने यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में किया। रो गैप मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया 12 पिक्सल 12 पिक्सल का, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो आइटम है इसकी विड्थ और हाइट अगर मैं खत्म कर दूँ, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट मैं हटा दूँ, तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी स्पेस ले लेगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले विड्थ और हाइट लगाकर दिखाई थी, बट अभी मैं ये विड्थ और हाइट हटा रहा हूँ ताकि जो आपका ग्रिड कंटेनर है पूरा ऑक्यूपाई हो जाए। तो यहाँ पर देखो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो आइटम्स थे ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो गए, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये पहला वाला आइटम है, ये 2 जो सेल्स हैं मेरे, ये वाले फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के अंदर जो सेल्स हैं, ये पूरे को स्पैन करें। मैंने अभी यहाँ पर कोई विड्थ नहीं दी है इस पर्टिकुलर बॉक्स को, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो खाने हैं वो यूज़ करें मेरा एक बॉक्स। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये संभव है? तो जवाब है हाँ, ये संभव है। मैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड दे सकता हूँ इसको। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसको आइटम 1 करके मार्क करूँगा इस पर्टिकुलर आइटम को, और मैं कहूँगा जो आइटम 1 है ना, ये जो आइटम 1 है ये मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट हो कॉलम नंबर 1 से और एंड हो कॉलम नंबर 3 पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, और मैं स्टार्ट करूँगा कॉलम नंबर 1 से, और ग्रिड कॉलम एंड मैं लिखूँगा कॉलम नंबर 3। और यहाँ पर आप लोग देखो कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है,
1, 2, 3 थर्ड लाइन पर खत्म हो रहा है, तो मैं लाइन नंबर कहूंगा, कॉलम नंबर नहीं कहूंगा। लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 3 पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए लाइन नंबर 3 तक स्पैन कर दिया मैंने इस पर्टिकुलर आइटम को। और यहाँ पर देखो फिर हमारे पास एक आइटम कम था अगर आपको याद हो तो ये सारे आइटम्स खिसक कर यहाँ पर आ गए। बाई डिफॉल्ट ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से रह रहे हैं। और ये गैप क्यों आ रहा है हमारे पास, ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने दिया हुआ है रो गैप और कॉलम गैप। बाय एनी चांस अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ अपने कॉलम गैप को या रो गैप को, तो देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये, ठीक है। पर आइडियली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, रो गैप कॉलम गैप आइडियली आप सेम ही रखना चाहोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है पूरे पूरे पेज का लेआउट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं चाहता हूँ एक मेरे पास हेडर हो, ठीक है, और वो पर्टिकुलर हेडर जो हो वो कुछ इस तरह से आए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दिखे। आप पूरे पेज पे भी स्पैन कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मैंने क्या किया है कि इसको एक विड्थ और हाइट दे दी अपने कंटेनर को, अगर मैं इसकी विड्थ हटा दूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, पूरी पूरी विड्थ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमने सीखा है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि एक लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रिड की मैं आप लोगों को साइड बाय साइड बताता जाऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को एक कॉलम नंबर की लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं और एक कॉलम नंबर की लाइन से एंड कर सकते हैं। यहाँ पर है आइटम वन का हम कॉलम स्टार्ट कॉलम एंड दे सकते हैं, हम रो स्टार्ट रो एंड भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये जो है इसका रो स्टार्ट हो 1 और एंड हो 3, तो ये पूरा का पूरा इतनी सारी स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेआउट्स बेसिकली बना सकते हैं। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर, मैं इसको ये जो मेरा आइटम है, जो आइटम 1 है मेरा, मैं चाहूँगा कि ये मेरे शुरू के तीनों जो यहाँ पर हमारे कॉलम्स हैं वो ले ले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1-3 ना करके इसको मैं 1-4 कर दूँगा। और 1-4 जैसे ही मैं इसको करूँगा तो देखो इसने पूरा पूरा यहाँ पर स्पेस ले लिया है। और हाँ, कुछ आइटम्स को मैं कम भी कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। दो आइटम्स को मैं कम भी कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आइटम्स कम ना पड़े, हमारी स्पेस कम ना पड़े इन आइटम्स के लिए। तो मैंने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर हमारी रो थी इसको मैंने जो है पूरा का पूरा एक आइटम से स्पैन कर दिया। क्या मैं इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर रो की, मुझे बस एक रो की हाइट चेंज करनी है, वो मैं कैसे करूँगा, वो अब मुझे यहाँ पर जो है चेंज करनी है। तो जहाँ पर मैंने लिखा था 1FR 1FR 1FR, वहाँ पर अब मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई एक पहली जो रो है वो मेरी 133 पिक्सल कर दो। मैंने कहा कि भाई एक रो मेरी 133 पिक्सल कर दो, उसके बाद बाकी की जो जगह है उसमें ये रूल लगा लो कि भाई बाकी की जगह का एक फ्रैक्शन दूसरी वाली रो को मिलेगा और एक फ्रैक्शन तीसरी वाली रो को मिलेगा, ये चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले 133 पिक्सल जो कि एब्सोल्यूट यूनिट मैंने दी है वो मिल जाएगी, किसको मिल जाएगी, ये यहाँ पर इसको मिल जाएगी, ये जो बड़ा वाला मैंने 3 कॉलम में स्पैन किया है जिसको मैं हेडर बोल रहा हूँ उस पर उसको मिल जाएगी, और जो बची हुई जगह है वो 1FR 1FR के हिसाब से इन दोनों में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसने जितनी रिक्वेस्ट करी जगह इसको पहले मुहैया कराई जाएगी, उसके बाद ये और ये दोनों जो हमारे कहूँगा सेल्स हैं वो 1FR 1FR के हिसाब से बांट लेंगे जगह को, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। और हाँ यार, अगर आपको 133 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो 43 पिक्सल कर लेते हैं अगर आपको पतला हेडर बनाना है तो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आइटम 1 है जो कि यहाँ 1 से लेके 4 तक स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर कंटेंट जो है डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डाल दूँ दिस इज़ अ हेडर, ठीक है, मैंने मान लो कुछ इस तरह से बना दिया दिस इज़ अ हेडर, और मान लो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ऐसे कॉलम्स रहें और ये जो आइटम्स हैं इनकी हाइट मैंने तो दे नहीं रखी है कुछ भी, तो जो भी कुछ मैं डालूँगा वो नीचे की तरफ को आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक हेडर रखते हैं ये कुछ इस तरह से रखते हैं और एक फुटर रखते हैं, ठीक है। तो मैं एक आइटम कम करके और लास्ट वाले को फुटर बना दूंगा, और इसको मैं नाम ही दे देता हूँ फुटर, ठीक है, इस तरह से, ताकि मैं डॉट फुटर डैश नहीं डॉट फुटर करके इसको मैं क्या करूँ, सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं ग्रिड की सहायता से, ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड की सहायता से मैं क्या करूँ इसको पूरा पूरा जो ये नीचे वाला पार्ट है वो दे सकूँ, ठीक है। बट मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं क्या करूँगा इसकी जो हाइट है उसको कम करने के लिए मैंने जो यहाँ पर अपनी टेम्पलेट रोज में 43 पिक्सल दिया था, मैं यहाँ पर जो पहला रो है 43 है, जो दूसरा है वो 1FR है, तीसरे को भी 43 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, तो मैं काम करता हूँ इसका बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ ब्लैक, और इसके भी बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ ब्लैक,
और आइटम वन ना लिखकर मैं अगर हेडर लिखता तो अच्छा रहता, बट ठीक है यार चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक हेडर बना लिया, यहाँ पर मैंने एक फुटर बना लिया, और यहाँ पर तीन मैंने बना लिए कॉलम्स अपने कंटेंट को डालने के लिए। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी कंटेंट डालूंगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मान लो लॉरम 455 लिखूं, जो कि बहुत सारा टेक्स्ट होता है, तो यहाँ पर देखो ये नीचे की तरफ ऐसे आ गया। अच्छा, अगर मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को और बड़ा करूँ, यानी कि मैं शायद अगर लॉरम 455 ना करके 1455 करूँ, जो कि बहुत सारा टेक्स्ट होता है, सेव करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये इस तरह से मेरी पूरी वेबसाइट का लेआउट बन चुका है। हेडर ऊपर आ गया, फुटर नीचे आ गया, और जिस तरह से मैं तीन कॉलम्स चाहता था वो यहाँ पर आ गया। शायद अगर मैं किसी और तरीके से इस तरह का लेआउट बनाता तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता मुझे। ग्रिड ने मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे जो रेड कलर है सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको हाइट दे रखी है। ये भी मैं हटा दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर बैकग्राउंड कलर पूरे में दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं बैकग्राउंड कलर भी हटा दूंगा। वैसे मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड कलर भी, बट एक चीज़ और करूंगा यहाँ पर जो कि ग्रिड से रिलेटेड नहीं है, और वो है कि मैं स्टार मार्जिन ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, और मार्जिन M0 लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पर, और P0 लिखूंगा। ठीक है, P0 यहाँ पर मैं लिखूंगा, मार्जिन और पैडिंग दोनों जीरो हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मेरा यहाँ पर लेआउट थोड़ा सा ढंग का दिख रहा है, और जहाँ पर मैंने आइटम वन में बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है, वहीं पर मैं कलर भी वाइट दूंगा, ताकि उसके अंदर का कंटेंट मुझे दिखाई पड़े। और यहाँ पर देखो, दिस इज़ अ हेडर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर ये हेडर है मेरा, ये कंटेंट है तीन, और यहाँ पर मैंने इसमें बहुत सारा कंटेंट भी डाल दिया है, जो कि यार मैं हटा देता हूँ, यार बहुत कंटेंट हो गया ये। ठीक है, 1455 वर्ड्स छोड़ो। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बना दिया। कोलैप्स इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट था उसको मैंने हटा दिया है। तो यार हाइट रख ही लेते हैं यार, यहाँ पर जो 700 पिक्सल की हाइट दी थी उसको रख ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो कंटेंट रखना पड़ेगा, हाइट रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऊपर चिपक जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आ गया है अभी। अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आइटम वन को और फुटर को ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड दे सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड देने की बजाय आप एक चीज़ और कर सकते हो। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, सिर्फ ग्रिड कॉलम लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो वन से स्टार्ट करते हुए स्पैन करो, स्पैन करो, क्या स्पैन करो, दो कॉलम्स को स्पैन करो, तो दो कॉलम्स को स्पैन कर देगा। देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर दो कॉलम्स तक स्पैन कर रहा है, लेकिन मुझे कराना है स्पैन तीन कॉलम्स तक, क्योंकि तीन कॉलम्स हैं मेरे पूरे लेआउट में ग्रिड कंटेनर में। ठीक है, तो मैं स्पैन थ्री कर दूंगा, तो तीन कॉलम्स को स्पैन करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़रा सोचो आप लोग को अगर गिनना पड़ गया कि भाई कितनी लाइन्स हैं, कौन सी लाइन नंबर है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, कितने स्पैन करना है। मान लो आपने 24 से स्टार्ट करा, मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रिड है आपकी, 24 से स्टार्ट करा, तो आप गिन सकते हो कि भाई इतने स्पैन करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ग्रिड से पूरा पूरा वेबसाइट का लेआउट बन जाता है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि यार पूरा पूरा वेबसाइट का लेआउट बन जाएगा कि ग्रिड से, तो हाँ यार बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आप लोग बात करेंगे जस्टिफाई आइटम्स प्रॉपर्टी की, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। लगाई किस पर जाती है, कंटेनर पर लगाई जाती है, ग्रिड कंटेनर पर लगाई जाने वाली ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूजफुल इसलिए है क्योंकि आप लोग जस्टिफाई कर सकते हो आइटम्स को। मेरा कंटेनर यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जस्टिफाई आइटम्स, और मैं अगर यहाँ पर लिख दूंगा स्टार्ट, तो मेरे सारे आइटम्स जो है स्टार्ट में जस्टिफाई हो जाएंगे। और क्योंकि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ अपने आइटम्स की, इसलिए मुझे अपने आइटम को विड्थ भी देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट दे देता हूँ अपने आइटम्स को, और इनफैक्ट विड्थ दे देता हूँ, हाइट नहीं देता हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने विड्थ दे दी है, तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ये जस्टिफाई हो गए हैं इस साइड को। ठीक है, जो मेरी ग्रिड थी उसमें इस साइड को जस्टिफाई हो गए हैं। अब क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर हेडर है इसकी विड्थ नहीं दी थी, इसलिए ये इधर को खिसक गया है। बट अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया होता कि इसको स्पैन नहीं कराया होता, तो ये जो है तीन आइटम्स कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाते। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि यार यहाँ पर जो है हमें ग्रिड विजुलाइज नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ पर माउस कर्सर रखेंगे अगर अपना, तो आप देख सकते हो ऊपर। अब यहाँ पर माउस रखोगे तो देखो यहाँ पर आपकी ग्रिड दिखाई जा रही है आपको। ठीक है, आप नीचे करो, ये देखो यहाँ पर ग्रिड जो है आपकी दिखाई जा रही है, और आप देखो ये जो आइटम्स हैं वो स्टार्टिंग में आ गए, मैंने स्टार्ट लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर जस्टिफाई कर दूँ इसको एंड की तरफ, जस्टिफाई आइटम्स, या फिर सेंटर करूँ अगर मैं, तो ये सारे के सारे आइटम्स जो है सेंटर की तरफ आ जाएंगे। मैं अगर यहाँ पर ग्रिड में आपको दिखाऊँ ये जो मेरे बॉक्सेस बने हैं, तो आप देखो ये सारे के सारे आइटम्स सेंटर में आ गए, सारे आइटम्स आ जाएंगे सेंटर पर। ठीक है, तो मैंने क्योंकि ये चीज़ कंटेनर पर लगाई है, इसलिए सारे के सारे आइटम्स जो है सेंटर पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये तो जस्टिफिकेशन था इसका, यानी कि जस्टिफाई कर सकते हो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको, सेंटर, एंड, या फिर स्टार्ट पर मूव कर सकते हो। अगर मैं एंड करूँ, ये भी दिखा दूँ आपको मैं, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से एंड की तरफ को चले जाएंगे, ये जो आपके स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको उसके एंड में चले जाएंगे सारे के सारे आइटम्स। मान लो मैं सिर्फ एक आइटम के साथ ऐसा करना चाहता हूँ,
सिर्फ एक आइटम के साथ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बेसिकली इस पर ये अप्लाई नहीं करना चाहता, आइटम वन पर अप्लाई नहीं करना चाहता, मान लो मैं बाकी के आइटम्स पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्टिफाई आइटम्स एंड जो है वो बाकी के आइटम्स पर लगा दूंगा और इस वाले पर नहीं लगाऊंगा। मान लो मैं यहाँ पर मेरे पास आइटम टू है, मैं उस पर लगाना चाहता हूँ जस्टिफाई आइटम्स एंड, मैं यहाँ पर आइटम टू क्लास दे देता हूँ किसी एक पर्टिकुलर आइटम को, यहाँ पर मैं इस आइटम को दे देता हूँ आइटम और आइटम टू, ये दो क्लासेस मैं ऐड कर देता हूँ। एक एलिमेंट पर दो क्लासेस ऐड करने के लिए हमें स्पेस देनी पड़ती है, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर अभी आइटम क्लास भी आइटम टू क्लास भी है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी है इसके पास, ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी है इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ ग्रिड की तरफ, तो यहाँ पर देखो कि जो मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट लिखा था, जस्टिफाई आइटम्स एंड लिखा था, मैं डॉट लगाना भूल गया, यहाँ पर देखो डॉट यहाँ पर लगाना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा और एक प्रॉपर्टी बताऊंगा जस्टिफाई सेल्फ, जो कि होती है हमारी ग्रिड आइटम की। तो ये प्रॉपर्टी ग्रिड आइटम की होती है, ये मैंने पहले ग्रिड कंटेनर पर लगाई थी, अब ये प्रॉपर्टी मैं ग्रिड आइटम पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्टिफाई सेल्फ प्रॉपर्टी होती है ग्रिड आइटम की, और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर मैंने जस्टिफाई सेल्फ सेंटर किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आइटम टू है वो सेंटर पर आ जाएगा। देखो सारे आइटम्स को आप देखो और आइटम टू को देखो, जिसमें लॉरम 455 लिखा है वो सेंटर पर है ग्रिड के, बाकी जो है वो स्टार्ट की तरफ को है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो और आपका जो है काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आइटम वन है इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सेट, मैं इसकी विड्थ को 100 BW दे सकता हूँ और ये लेआउट मेरा जो है ठीक हो जाएगा। और सेम चीज़ मैं फुटर के साथ भी कर सकता हूँ, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ इनकेस अगर आप लोग सोच रहे हो कि कैसे इस लेआउट को, बिगड़े हुए लेआउट को ठीक करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, इसकी विड्थ दे दो, यहाँ पर देखो दिस इज़ अ हेडर, ये आ गया, और ये बाकी के आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो जस्टिफाई आइटम्स और इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब मान लो मेरी जो आइटम्स है, मेरे ये तीन आइटम्स है, मान लो मैं इनकी हाइट सेट कर देता हूँ, मान लो 122 मैंने इनकी हाइट सेट कर दी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे आइटम्स ऊपर भागेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और यहां पर मैंने ये जो मेरा पर्टिकुलर आइटम है इसकी भी हाइट सेट कर रखी है जो कि 122 है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं कि यहां पर जो 43 है इसको मैं 143 कर देता हूं ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। तो मेरा जो पहली वाली रो है उसकी विड्थ मैंने, उसकी हाइट मैंने 143 कर दी है। तो यहां पर अगर मैं अभी अपनी ग्रिड पर होवर करूं तो देख रहे हो आप लोग मेरे सारी की सारी ग्रिड के बॉक्सेस दिख रहे हैं, सेल्स दिख रहे हैं। तो देखो अभी यहां पर मैंने इसको अलाइन सेल्फ सेंटर किया था इसलिए सेंटर पे है। अब अगर मैं वर्टिकली अलाइन करना चाहता हूं इसको तो मैं कैसे करूं? तो हम लोग हॉरिजॉन्टली करते हैं तो जस्टिफाई यूज़ करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम करते हैं अलाइन आइटम्स का इस्तेमाल। अगर मैं अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूं, अभी देखो ये सेंटर में नहीं है, अगर आप देखो ये ऊपर की तरफ को चिपका हुआ है, अगर मैं सेंटर करना चाहता हूं इसको तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर डाल दूंगा अलाइन आइटम्स सेंटर, और अभी अलाइन आइटम स्टार्ट था, अब देखो सेंटर हो गया। अगर मैं आपको ग्रिड दिखाऊंगा जिस तरह से, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो अलाइन आइटम्स जो है यहां पर हो चुका है अभी सेंटर, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आप वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं आइटम्स को, हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर भी हो गई होगी। अगर आप एक पर्टिकुलर आइटम के साथ ऐसा करना चाहते हैं जैसे हमने पहले किया था, तो आप अलाइन सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो मैं ये अलाइन आइटम्स यहाँ से हटा दूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आइटम वन पर, जो कि मैंने पहले भी आइटम टू पर, सॉरी आइटम वन ही, आइटम टू पर भी लगाया था मैंने पहले जस्टिफाई सेल्फ, आइटम टू हमारा 455 वाला एलिमेंट है, मैं अगर इसमें अलाइन सेल्फ सेंटर लगाता हूँ, अलाइन सेल्फ, तो ये सेंटर की तरफ को आ जाएगा, देख रहे हो, ये सिर्फ सेंटर की तरफ आ जाएगा ग्रिड में। ये देखो ये ग्रिड में सेंटर की तरफ आ गया और बाकी आइटम्स ऐसे कैसे ही हैं। तो एक लेआउट को बनाना CSS ग्रिड की सहायता से और कुछ इस तरह से इसको यूज़ करके पूरे लेआउट को बनाकर आइटम्स को कंट्रोल कर पाना एक बहुत बड़ी पावर दे देता है हमको CSS के अंदर, और मेरे हिसाब से जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई, सॉरी अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ एक साथ यूज़ किया, अगर मुझे दोनों को करना है सेंटर, तो मैं प्लेस आइटम्स को, सॉरी प्लेस सेल्फ को सेंटर कर सकता हूँ, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेंटर सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दोनों प्रॉपर्टी सेंटर सेट हो गई। जिस तरह से मैंने प्लेस सेल्फ किया उसी तरह से मैं प्लेस आइटम्स भी कर सकता हूँ, तो मुझे अलग अलग अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई आइटम्स नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ प्लेस आइटम्स और मैं यहाँ पर सेंटर कर दूँ और मैं ये हटा के आपको दिखा देता हूँ, तो सारे के सारे आइटम्स जो हैं जस्टिफाई भी हो जाएंगे सेंटर और अलाइन भी हो जाएंगे सेंटर, और ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से CSS ग्रिड में मैं जितना प्लेस आइटम्स का इस्तेमाल करता हूँ,
मुझे नहीं लगता कोई और करता होगा प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने। सी एस एस ग्रिड में जितने लेआउट्स मैंने बनाए हैं प्लेस आइटम्स उसमें होता ही होता है कहीं ना कहीं, मुझे बन ही जाता है यूज़ केस कोई ऐसा कि यार मैं प्लेस आइटम्स का इस्तेमाल करूँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ये सी एस एस ग्रिड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, आप एक बार ट्राई करोगे अगर तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहाँ पर जब मैंने डिस्प्ले ग्रिड इसको दिया तो ये जो कंटेनर था वो पूरा ग्रिड बन गया था, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर इनलाइन ग्रिड प्रॉपर्टी भी होती है, तो ग्रिड और इनलाइन ग्रिड में डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग यहाँ पर इनलाइन ग्रिड करते हैं डिस्प्ले को तो ये जो पूरा कंटेनर है ये एक इनलाइन एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर मैं सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड लिखता हूँ तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस अगर आपको नहीं पता तो बता दूंगी, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो अपने लेफ्ट राइट साइड पर स्पेस नहीं छोड़ते हैं, वो सिर्फ उतनी जगह लेते हैं जितनी उन्हें चाहिए होती है, वो कहीं भी बीच में फंस सकते हैं। तो अगर आपको एक पूरी सी एस एस ग्रिड एक लेआउट के अंदर फंसानी है एक जगह पर तो आप इनलाइन ग्रिड यूज़ करें, अगर आपको पूरा लेआउट बनाना है तो आप सिर्फ ग्रिड यूज़ करें, ठीक है। सो आई होप कि सी एस एस ग्रिड आप लोगों को क्लियर हो गया है, और यहाँ पर सी एस एस ग्रिड आप लोगों को भी इतना तो आ गया है कि आप लोग अपने लेआउट्स बना सकें, बहुत अच्छे अच्छे लेआउट्स आप बना सकते हैं सी एस एस ग्रिड का इस्तेमाल करके। और एक बहुत पावरफुल टूल मैं कहूँगा ये है यार सी एस एस ग्रिड, क्योंकि कमाल कर देता है यार सी एस एस ग्रिड यहाँ पर हमारा कमाल कर देता है, मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। सो एक चीज़ और जो बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप एक ग्रिड पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखो यहाँ पर इस तरह से जो हमारे ग्रिड के गैप्स हैं यहाँ पर हमें दिखाई पड़ने लग जाते हैं, और आप जो है बड़े आराम से अपने लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, और ये नंबर भी डल जाते हैं ऑटोमेटिकली 1, 2, 3, 4, तो आपको दिक्कत नहीं होती अगर बहुत बड़ी आपकी ग्रिड है तो। बट यहाँ पर जो है छोटी ग्रिड थी 3x3 की थी तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं, तो वो जो है बिल्कुल ही सही सही हो गया मेरा काम, ठीक है। सो ग्रिड में अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट शुरू से सीखना है तो मेरे पास प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखें आप लोग, उस पर आएँ। और अगर आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं HTML CSS के तो वो भी प्लेलिस्ट मेरे पास मौजूद है। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल ड्राइव वगैरह पर या वेबसाइट पर डालकर आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का। सोर्स कोड ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है, बट अगेन ये सोर्स कोड आप लोगों को मैं दे दूंगा। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और आप लोगों ने जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं उसको इतना सीख लिया कि यार अपना जो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें आप लोग इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट शुरू से सीखना चाहते हैं तो मेरे पास पूरा कोर्स उसका अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने एक कोडिंग डिस्कशन करके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको ज़रूर सब लोग देखें। उसके अंदर मैंने अपनी जर्नी पूरी शेयर की हुई है कि यार क्या चीज़ कब यूज़ करनी है, कौन सा टूल एज अ वेब डेवलपर यूज़ करना है, कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत कम टाइम में आप लोग बना सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर इस वीडियो के बाद आप लोग चेकआउट करें, काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। उसी के साथ साथ मैंने HTML इन वन वीडियो बनाया है, CSS इन वन वीडियो बनाया है, और इनमें मैंने नोट्स दिए हुए अपने हैंड रिटन। तो अगर आप उन वीडियो को पूरा भी वॉच नहीं करते हैं तो कम से कम नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लें। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे नोट्स फॉलो करते हुए वो दोनों वीडियोज़ कवर किए हैं। नोट्स जो हैं वो बहुत मेहनत से बने हुए हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए जरूर जाकर डाउनलोड करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।